ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅੰਬੂਜਾ ਸੀਮਟ ਫੈਕਟਰੀ ਰੂਪਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੰਬੂਜਾ ਸੀਮਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅੰਬੂਜਾ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਬੂਜਾ ਸੀਮਟ ਫੈਕਟਰੀ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। हमारा अंबुजा सीमेंट कर्मचारी संघ रोपड़ की तरफ से हमारे में मैनेजमेंट से मांग है कि जो लोग को हमारी कॉलोनी में रहते हैं उनको इंक्रीमेंट के टाइप पे भी HRA जोड़ के इंक्रीमेंट दिया जाए, और जो हमारे अकाउंट्स के साथी अनमैप है जिनको कंपनी ने अनमैप कर जिनको मैप किया जाए, और हमें एक HRA पॉलिसी हमारी अभी फाइनल हो चुकी है, कंपनी इसको बता दे रही है, वो पॉलिसी हमें दी जाए और मिनिमम इंक्रीमेंट हमारा 15% किया जाए। वो अगर नहीं देते तो आंदोलन हमारा बहुत तेज आगे आंदोलन किया जाएगा, टूल डाउन स्ट्राइक वगैरह आगे कुछ भी हो सकता है अगर मैनेजमेंट हमारी मांगे नहीं मांगेगी तो। इसके लिए कम से कम दो से तीन साल से फॉलोअप कर रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है, सबको बोल बोल थके मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट के पास तभी बात करते हैं, टाल बोल बोल कर देती है। हमने माननीय मुख्यमंत्री पंजाब को भी हमने इनकी डिमांड के बारे में दिया था, उन्होंने भी हमें पता नहीं दबाव में क्या कारण है अब तक उन्होंने भी बातचीत के लिए नहीं बुलाया है। आगे संघर्ष यही हमारा अगर नहीं मानती है तो हमारा अपना प्लांट और हमारे अंबुजा के 7 प्लांट और है, नहीं मानेंगे तो साथ के साथ एक साथ फिर आगे आंदोलन शुरू करेंगे। रूपनगर तो सज्जन सैनी की रिपोर्ट। तुसी देख रहे हो सांझ टीवी न्यूज़ पोर्टल।